कैसा एग्जाम गया है मैम? क्वेश्चन लेवल कैसा था? मॉडरेट। कैसा गया है क्वेश्चन लेवल? क्वेश्चन लेवल भी ठीक था। अच्छा, नीट हो जाइए। देखिए खुशी देखिए किस तरीके से झलक रही है। मैम कैसा गया? ठीक ही गया। क्वेश्चन लेवल कैसा था? बहुत अच्छा नहीं था। अच्छा नहीं था, टफ था? बहुत। क्वेश्चन लेवल कैसा था? पिछली बार इजी था। पिछली दफा से इजी था थोड़ा। अच्छा था। हाँ, इजी है पिछली बार से। हाँ, गया बहुत ही अच्छा। क्वेश्चन लेवल कैसा था? मीडियम टू इजी भी थे, कुछ कुछ थे टफ थे, फैक्चुअल बेस्ड रहते हैं ना। बीपीएससी सतसठवीं पीटी की परीक्षा खत्म हो गई है। तमाम अभ्यर्थी जो हैं बीपीएससी का एग्जाम देकर निकल रहे हैं। तस्वीर एक बार दिखा देना चाहेंगे, मेरी मौजूदगी अभी बाकेपुर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास है, जहां पर तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो एग्जाम देकर निकल रहे हैं बीपीएससी के। वहीं अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी दिख रही है। तमाम लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि किस तरह का जो एग्जाम है वो गया है और किस तरीके का क्वेश्चन लेवल था, ये जानते हैं कुछ अभ्यर्थी, उनसे बात करेंगे हम। कैसा एग्जाम गया है मैम? क्वेश्चन लेवल कैसा था? मॉडरेट। कैसा एग्जाम? ठीक है, एग्जाम अच्छा गया है, क्वेश्चन लेवल नॉर्मल था। कैसा गया है क्वेश्चन लेवल? क्वेश्चन लेवल भी ठीक था। अच्छा गया है। चाइनीज हो जाइए। देखिए खुशी देखिए किस तरीके से झलक रही है। मैम एग्जाम कैसा गया? ठीक ही गया। क्वेश्चन लेवल कैसा था? बहुत अच्छा नहीं था। अच्छा नहीं था, टफ था? बहुत। कहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है? कहाँ से सबसे ज्यादा? आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया था। एग्जाम अच्छा गया, कुछ लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम अच्छा नहीं गया, बहुत टफ था। मैम एग्जाम कैसा गया? देखिए कुछ लोग बात नहीं कर रहे हैं, और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे। एग्जाम कैसा गया? अच्छा। क्वेश्चन लेवल कैसा था? पिछली बार इजी था। पिछली दफा से इजी था थोड़ा? अच्छा था। हाँ, इजी है पिछली बार से। हाँ, अंदर में दिक्कत नहीं? नहीं, सब अच्छा गया। हाँ, देखिए अच्छा गया एग्जाम, पिछले बार से इजी था, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। तमाम ये बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं और अभ्यर्थी एग्जाम देकर निकल रहे हैं, काफ़ी खुश हैं, चेहरे पे खुशी झलक रही है। ये तस्वीर देखिए बाकेपुर विद्यालय की, ये तस्वीर है जहाँ पर अभ्यर्थी एग्जाम देकर निकल रहे हैं। एग्जाम कैसा गया? बहुत ही अच्छा। क्वेश्चन लेवल कैसा था? मीडियम टू इजी भी थे, कुछ थे टफ थे, फैक्चुअल बेस्ड रहते हैं ना स्टेट पीसेस के एग्जाम, तो थोड़े से रहते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आया? हिस्ट्री, आई थिंक हिस्ट्री, मतलब आप पढ़ रहे हो खास करके मॉडर्न। इस बार तो मुझे एंशियंस के भी लगे, तो करंट अफेयर। हाँ, करंट अफेयर तो आते ही हैं 30-35 क्वेश्चन। अदर देन दैट स्टैटिक्स से हिस्ट्री वाज गुड। थैंक यू। देख सकते हैं किस तरीके से तमाम अभ्यर्थी कह रहे हैं कि एग्जाम अच्छा गया है और क्वेश्चन जो है वो मीडियम था। कुछ अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि टफ था। तमाम अभ्यर्थी जो हैं बीपीएससी सतसठवीं परीक्षा देकर निकल रहे हैं। देखिए किस तरीके से अभ्यर्थियों का एग्जाम था और 2 बजे एग्जाम खत्म हो गया है। तस्वीर एक बार फिर से दिखा देना चाहेंगे, बाकेपुर उच्च महिला माध्यमिक विद्यालय, और यहाँ पर तमाम अभ्यर्थी जो हैं बीपीएससी के वो एग्जाम देके निकल रहे हैं। बात करेंगे और भी अभ्यर्थी। मैम एग्जाम कैसा गया है? पेपर बहुत अच्छा था। क्वेश्चन लेवल कैसा था? क्वेश्चन अच्छे थे, बट हिस्ट्री के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही थे और करेंट अफेयर्स के ज़्यादा थे, और साइंस के मतलब पिछले वाले से बहुत ईजी क्वेश्चन थे। पिछले बार से बहुत इजी थे, तमाम क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं सही थे, तमाम अभ्यर्थियों का कहना है। अभ्यर्थी बाहर निकल रहे। मैम एग्जाम कैसा गया है? एग्जाम बहुत अच्छा गया, पेपर बहुत अच्छा था और करंट अफेयर से रिलेटेड था, और आपका बताया जाए तो जैसे जीएस का जितना रहता है हिस्ट्री का जैसे पेपर था, जैसे करंट मेडिवल हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री, ये पूरा मतलब अच्छे तरीके से क्वेश्चन किया गया था, मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छा था। फर्स्ट टाइम जिस तरह से क्वेश्चन था उसी तरह से ही था, लेकिन थोड़ा सा उसको घुमा फिरा कर किया गया था, लेकिन बहुत 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 अच्छा गया। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आया? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से आया था, करेंट अफेयर से आया था, और थोड़ा बड़ा मैथ से आया था। मैथ्स कुछ ज़्यादा टफ नहीं था, ईजी था। सबसे ज़्यादा टफ कौन सा क्वेश्चन? सबसे ज़्यादा टफ जो क्वेश्चन था, जैसे आपको मतलब क्वेश्चन का जैसे पता है कि आंसर क्या है, जैसे कि आपको श्रम विभाग किसे दिया गया था, तो जैसे राज मतलब कि इसका इसका आंसर जो होगा वो मतलब घुमा कर दिया गया है क्वेश्चन, तो लेकिन बहुत अच्छा पेपर था। देखिए क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा था और तमाम अभ्यर्थियों का एग्जाम बहुत अच्छा गया। तमाम बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं सतसठवीं एग्जाम देकर निकल रहे हैं और एग्जाम अच्छा गया ऐसा कह रहे हैं। तमाम अभ्यर्थियों का साफ कहना था कि एग्जाम बहुत अच्छा गया है, पिछली दफ़ा से अच्छा गया एग्जाम। तमाम
अभ्यर्थी जो हैं वो एग्जाम देकर निकल रहे हैं। देखिए बीपीएससी की 67वीं परीक्षा होनी थी, करीब 1153 सेंटर थे बिहार में और कहीं ना कहीं तमाम जगहों पर हो रहा था, सबसे ज़्यादा पटना में हो रहा था। और देखा आपने किस तरीके से अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि एग्ज़ाम अच्छा गया है और क्वेश्चन जो है वो ईजी था। फिलहाल तमाम अभ्यर्थियों की बात सुनिए आपने क्या कुछ कहना तमाम महिला अभ्यर्थी थी। और तमाम खबरों के लिए बन रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।